वेलकम गाइस, आज हम एक्सेल के सेकेंड लेक्चर पे आते हैं। तो जैसा मैंने कल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा लेक्चर 25 से 30 मिनट का होगा एवरेज, और ये तीन भाग में डिवाइड होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कैसे काम होती है, क्योंकि भैया कोई चीज़ को सीखना लेकिन सीखने बाद उसको उपयोग नहीं कर पाना बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, पर टाइम भी बर्बाद होता है। और वैसे हम लोग जो है टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। तो मेरा क्लास का सेशन जो मैं 25 मिनट क्लास लूँगा, तीन भाग में होगा डेली बेसिस पे। पहले के 4 मिनट शॉर्टकट पे बात करूँगा, जिसमें नए शॉर्टकट्स भी होंगे, डेली ऐड होते रहेंगे, और कुछ पुराने शॉर्टकट्स होंगे जो आपको रिविजन भी होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 मिनट या 5 मिनट हम बात करेंगे ऊपर के मेन्यू के बारे में। जैसे यहाँ पे होम है, होम में फ्रंट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट। तो एक बार में सारा बताने का कोई फायदा नहीं है, आपको भी याद नहीं रहेगा। और जिस जब उसका उपयोग आएगा, जब मैं प्रैक्टिकली वर्क करवाया लोगों का एक्सेल पे, तो उस टाइम पे आते आते सारे चीज एक बार बता दूंगा, भूल जाओगे, तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में फायदा भी नहीं होगा, अब टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल लेके चलूंगा। तो मैं जो आज मेन्यू बताऊंगा, तो पहला क्लिप बोर्ड बताऊंगा होम का, सेकेंड फंड, और तीसरा अलाइनमेंट, ये तीन मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम वर्क के बारे में बात करेंगे। आज हमारा वर्क होगा 15 मिनट्स का, जिसमें हम आज एक प्रॉपर एक स्कूल में कैसे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, मार्क्स कैसे आता है, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना, टोटल निकालना, पास है कि फेल है, ग्रेडिंग करना, ये सारी चीज सीखेंगे। अब इन चीजों को करने के लिए आपका इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, ये सब टैब का कोई ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो ऐसा मत नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई टैब नहीं बताया, ठीक है, शुरू में नहीं बताया, लेकिन अब मैं करवाते हुए बता रहा हूँ। तो भाई इंसान काम करते हुए सीखता है, ठीक है। तो भाई मैं मेन्यू बार तो भाई डेली बेसिस पे एक ग्रेजुअली बढ़ते रहूंगा, लेकिन जब मैं वर्क करवाऊंगा, वर्क के साथ कुछ बीच के मेन्यू फॉर्मूला के आ सकते हैं, कुछ बीच का मेन्यू रिव्यू के आ सकते हैं, कुछ बीच का मेन्यू डेटा के आ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उस समय जाएंगे जब उस मेन्यू बार को डिफाइन करना होगा, उस समय तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी से हम ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में काम करना है, समझ रहे हैं ना। हमें इस तरीके से काम को सीखना है, एक्सेल सीखना है कि हम मार्केट में इस्तेमाल कर सके। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। तो हम आते हैं पहले शॉर्टकट पे। मैंने पहले 3 मिनट बर्बाद करते वो समझाने के लिए, लेकिन ग्रेजुअली कम होते जाएगा समझाना कैसे क्लास चलेगा। तो पहला हमारा आता है शॉर्टकट। हमने कल शॉर्टकट देखा F2। F2 क्या है, किसी सेल को एडिट करना। मानो इस सेल में जैसा दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, अगर मैं कुछ लिखा जाऊं तो पुराना डेटा हट जाएगा, लेकिन इसी में ऐड करना था, मैं F2 प्रेस करूंगा। मैं F2 प्रेस करने से इसी में एडिट हो जाएगा। अब इसमें कुछ लिखूंगा तो उसमें एडिशन होगा, ठीक है। सेकेंड है F4। आपको F4 याद हो, F4 क्या था, F4 होता है रिपीट। आपने जो भी लास्ट काम किया उसको रिपीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को निहाल करना है, तो मैं सिर्फ F4 करूंगा, तो जो लास्ट काम मैंने किया था बोल्ड, ठीक है, वो चीज यहाँ पे भी हो जाएगा। मानो इसको मैं कलर करता हूँ, मानो एक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया, इसको कलर किया। अब इसी को मैं सेम करना चाहता हूँ, लेकिन माउस नहीं छूंगा, मैं सीधे F4 दबाऊंगा, ऑटोमेटिक जो मैं लास्ट फंक्शन किया वो हो जाता है। अब कंट्रोल, आपको याद है कंट्रोल सिलेक्ट के लिए होता है, मतलब स्पेस, जैसे यहाँ पे लाइन खाली है, खाली जगह को छोड़ के जितने भी एरिया वो अपने आप सिलेक्ट कर देता है कंट्रोल ए से। फिर कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, डाटा कॉपी करके कहीं और कॉपी करने, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल एक्स को कट करके कहीं और पेस्ट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, एक जगह से दूसरे मूव करने के लिए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब कॉपी डाटा मतलब ये डेटा को एक को दूसरे कॉपी करना। मानो आपने कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे मैंने कुछ किया था जो, अब देखो मैंने इतने सारे चीजें किए हैं, अब मुझे ये सब चीज नहीं करना चाहिए था, मैं इसको अब क्या करूँ, अब ये लोग हटाना है,
ये यहाँ पे ठीक करना है, इसको ठीक करना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधे कंट्रोल जेड दिख रहा है, अंडू लास्ट एक्शन, मतलब इससे पहले जो मैंने किया था उसको अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड करूंगा। मैंने इससे पहले डेटा को डिलीट किया था, उससे पहले मैंने क्या किया था, इसको यहाँ मूव किया था, कंट्रोल जेड करते रहूंगा तो जितने भी मैंने चेंजेस किए थे वो सब वापस होते चले जाएंगे ओरिजिनल स्टेट में। अब मानो मैंने कुछ ज्यादा पीछे चला गया, कंट्रोल वाई करूंगा तो फिर से आगे बढ़ते जाएंगे जो मैंने चेंजेस किए थे। तो कंट्रोल जेड, मानो कुछ गलत कर दिया आपने, उसको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, और वापस उसको रीडू करना है तो कंट्रोल वाई। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया था। हमने क्या देखा, हमने देख लिया, मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, क्या बोला, दिस फॉर्मूला विद द क्लिपबोर्ड, ये कुछ विंडो दिखा रहा पॉपअप बारे में, ये और अंडू का नहीं ऑप्शन, तो मैं एक बार इसको कर दूं कंट्रोल एक्स में, यहाँ पर ये डाल था। तो हमने देखा F2 एडिट के लिए, F4 जो लास्ट फॉर्मेटिंग जो भी किया उसको दोबारा करने के लिए, कंट्रोल एक्स कॉपी सिलेक्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट करके मूव करने के लिए, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल वाई मतलब जो हमने अंडू किया उसको रीडू करने के लिए, कंट्रोल जो हमने जो कट दिया उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, जैसे हम जितने भी काम करते हैं इसमें तो हम उसको बार बार कंट्रोल एस करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि वो सेव होता रहेगा। कंट्रोल एस करूंगा मैं, वो सेव होता रहेगा, डेटा लॉस नहीं होगा मेरा। अब आते हैं मेन्यू बार पे, पहला मेन्यू है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में क्या क्या फंक्शन है, ये पहला है कट का, जो हमने कंट्रोल एक्स करते हैं वही कट का फंक्शन है, हम लोग सब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये होता है कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और ये होता है फॉर्मेट पेंटर, इसको बताता हूँ क्या है। अब देखो कॉपी को मैं दोबारा आगे खोलूँ, तो कॉपी एज पिक्चर, कॉपी एज नॉर्मल कॉपी, मानो मैं इसको हम लोग नॉर्मल कंट्रोल सी करते हैं ये कॉपी करता है, लेकिन हम यहाँ से कॉपी एज पिक्चर पिक्चर करेंगे डेटा सिलेक्ट करके, तो वो पिक्चर फॉर्म में कॉपी हो जाएगा, और जो पेस्ट करें पिक्चर में पेस्ट होगा। ठीक है, अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, मानो मैंने ये जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे ये क्या है, ये सेल है मेरा, या फिर दिख रहा है सेल C58, अब एक सेल है, ठीक है, ये सेल है C58, ये क्या है, ये येलो कलर में है, साथ में बोल्ड है। अब मानो इसको मैं बोल्ड करना होगा, पहले कंट्रोल बी करूंगा, फिर येलो करना होगा, ये येलो से सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अब मानो इसमें और भी कोई फंक्शन किया, मैंने फंड चेंज किया, फंड हमें किया 12, ठीक है, साथ में यहाँ पे टेस्क सिलेक्ट किया स्नैप ITC, तो हमने अभी 5 चीजें की हैं। ठीक है, इसमें और भी चीजें हो सकती है, तो अब पॉइंट ये है कि इतने सारे चेंजेस हो गए, अब इसमें वही चेंजेस करना था, मैं एक चीज करके करूंगा नहीं, मैं इस पे जाऊंगा सिलेक्ट किया सेल को, ये फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट प्रिंटर से आ गया, अब जिस सेल पे को छोड़ूंगा बिल्कुल वैसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये है आपका फॉर्मेट प्रिंटर का काम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दूं, अब जैसे नॉर्मल सेल है ये, और मैंने इतने सारे चेंजेस किए इसमें, अभी फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा, अब मैं इसको क्लिक करके यहां से यहां तक ड्रैग कर दूंगा, सारे नॉर्मल हो गए जैसे स्टार्टिंग में थे। तो क्लिप बोर्ड पहला था हमारा कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर, अब सारे पेस्ट आता है, पेस्ट कंट्रोल भी होता है। ठीक है, पेस्ट में बता दें कंट्रोल भी, लेकिन पेस्ट बहुत तरीके से होता है, हम पेस्ट वैल्यू करते हैं, पेस्ट फॉर्मूला करते हैं, पेस्ट पेंट करते हैं, तो वो मैं आपको एज अ वर्क करते हुए बताऊंगा। नॉर्मली भी समझिए कि पेस्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, तो मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा। अब आता है यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैं किसी भी सिलेक्ट करूँ, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा कैलिब्रीज टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट देखा जाए तो वरदाना टेक्स्ट है, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं है तो माफ कीजिएगा उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट दिए हुए कि कैसा दिखता है, आपको प्रीव्यू दिख रहा है, अगर मैं इसको लूँ तो इसका टेक्स्ट वैसे ही बन जाएगा, मैं कंट्रोल जेड करूँ तो वापस अंडू हो गया, जो मैंने शॉर्टकट बताया था। ये टेक्स्ट होता है, आपको टेक्स्ट का साइज क्या चाहिए, 8 चाहिए, 12 चाहिए, 14 चाहिए, 20 चाहिए, 22 चाहिए, ये बड़ा इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट का साइज को। ठीक है, साथ में ये बोल्ड करने के लिए जो शॉर्टकट में कंट्रोल भी बताया था, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई बताया था, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, तो सारे फंक्शन यहाँ पे माउस से कर सकते हो, लेकिन हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। अब ये आता है बॉक्स, ये क्या है, ये है बॉर्डर, बॉर्डर बनाने के लिए, जैसे देखो ये बॉर्डर बन गया, आपको ये दिख रहा है एक्सेल में ये सब बॉक्स,
जब इसको प्रिंट करते हम लोग ना, तो ये आपका ये बॉक्स का प्रिंट नहीं आता है, ये प्योर व्हाइट प्रिंट आएगा। मैं अभी दिखाऊँ इसको लेआउट, पेज लेआउट में, पेज लेआउट में गया, अभी भी दिख रहा है, प्रिंट में गया, अभी भी दिख रहा है। आपको कैसे बताऊँ, मैं दिखाई देता हूँ, हटाओ। ओहो, तो मैं समझाऊंगा आप, चलो कैसे बता देता हूँ। जब इसको प्रिंट करते हैं ना, प्रीव्यू ये आ रहा है, तो वो दिख रहा है साइड में सब व्हाइट आ रहा है, कोई बॉक्स नहीं बना यहाँ पे, दिख रहा है ना। लेकिन जो एरिया में बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, इसमें बॉक्स बनाया है, तो ये है बॉक्स बनाने का एरिया, ठीक है ना। जब मैं प्रीव्यू में जा रहा हूँ, यहाँ पे पेज में आपको यहाँ तो बॉक्स दिख रहा है बना हुआ, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है बना हुआ। तो मानो किसी सेल में बॉक्स डालना है, तो बॉक्स बनाने के लिए मैं इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉक्स का आउटसाइड बॉक्स कर दिया मैंने, देखो तो बाहर बाहर बॉक्स बन गया, तो प्रिंट में बाहर बॉक्स बन जाएगा। इसको फिर मैं इनर बॉक्स करूंगा, ऑल बॉक्स करूंगा, ऑल बॉक्स, तो सब जगह बॉक्स बन गया ये। तो ये बॉक्स बनाने का है, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉक्स का ऑप्शन आता है, बोल्ड बॉक्स, थिक बॉक्स, पतला मोटा, सब किस्म बॉक्स बनने आता है। और ये बेसिक बता रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, अभी ऐसे बताने कोई फायदा नहीं जाना। अब मैं दिखा ही चुका, ये कलर करने के लिए, इससे क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, पीछे का कलर, ठीक है, ये सारे बैकग्राउंड कलर करने के लिए है। और ये जो है, ये टेक्स्ट कलरिंग है, ब्लैक है, अब ब्लू हो गया, अब रेड हो गया, ये टेक्स्ट कलरिंग के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये अलाइनमेंट, इसके नीचे और भी मेन्यूज को हम फर्दर खोल सकते हैं, लेकिन इसको हमें नहीं जाना अभी, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना जान के टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। हमें जैसे जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी यही समझिए। तो हमने क्लिपबोर्ड या कॉट कॉपी पेस्ट, हमने शॉर्टकट, ये कॉट कॉपी पेस्ट हमको नॉर्मल आता है, ये फॉर्मेट प्रिंटर में मेन इंपॉर्टेंट हमने देखा, फॉर्मेट प्रिंटर जो इसको याद रखना होता है आपको, यहाँ पे वो टेक्स्ट देखना है, टेक्स्ट का साइज देखना है, ब्लू बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसे शॉर्टकट में पता है, हमें देखना है जो इंपॉर्टेंट है वो बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद ये पेंट, बैकग्राउंड पेंट, ये टेक्स्ट का पेंट कि किस कलर में लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट पेंट करने के लिए। अब आते हैं अलाइनमेंट, अब अलाइनमेंट की बात करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट किया, अगर ये इसको मैं करूँ, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, अब वो सारे टेक्स्ट दिख रहे लेफ्ट से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको राइट भी कर सकते, क्लिक करेंगे राइट हो जाएगा। हमारे जितने भी नंबर होते हैं, जो भी हमारे नंबरिंग का हम जब डेटा उठा ले, अकाउंटिंग का किसी का, तो डेट नंबरिंग हमेशा राइट साइड में होता है। अगर मान लो किसी को हम बीच में कर रहे, ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अब मानो कि सेल बड़ा है, तो अब ये क्या है, अप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, डाउन अलाइनमेंट, ये सारे अलाइनमेंट होते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कल भी बताया था आपको कि मानो सेल बड़ा है, वो फिट करना है, तो 58 59 बीच में आएंगे, यहाँ पे लाइन दिखता है, डबल क्लिक करेंगे फिट हो जाता है, बिल्कुल बी और सी के बीचों हम क्लिक करके फिट कर रहे थे, ठीक है। ये आ गया हमारा अलाइनमेंट। अब ये तिरछा लिखने का ऑप्शन आता है, इसे मतलब जैसे कि मान लो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं तिरछा करना है, ये लीजिए अब ये तिरछा लिखाएगा, ठीक है। तो ये तिरछा सीधा प्रैक्टिकल लाइफ में बताया था भैया, अगर आप जब तक कोई वो डिजाइन वगैरह नहीं कर रहे एक्सेल में, तब तक ऐसा कोई काम नहीं आता। हमें डेटा बनाना होता है, हमें क्लास का मार्कशीट एग्जाम्पल ले लो, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, डेटा अरेंजमेंट, वो सब में जरा काम नहीं आता, लेकिन एक है फंक्शन आप देख सकते हो, साथ में ये भी है अलाइनमेंट, ये कितना लेफ्ट में करना है, कितना राइट मूव करना है, इसको देखो कितना राइट मूव करना है। मैं सेल पे, सॉरी मैंने सेल सिलेक्ट नहीं किया, मैंने अब सेल सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा राइट मूव करना, हल्का मूव करना, और मूव करना, और मूव करना, ये राइट लेफ्ट हल्का हल्का मूव करने के लिए, ठीक है। अब आता है मेन, ये दो फंक्शन, इस अलाइनमेंट को ध्यान रखना है, लेफ्ट सेंटर राइट, और हल्का मूव करने के लिए। अब ये आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैसे बताता हूँ मैं। मानो मेरा एक सेल है, इसे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये ले 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 ले, मान लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, देखो ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड सेल में गया, यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वो दिख रहा है दोनों में फंड का डिफरेंस है, मैंने फंड चेंज छोटा बड़ा कर रखा है यहाँ पे,
कि साफ दिखे। अब देखो यहाँ पे कट रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करूंगा बढ़ जाएगा, पूरा चीज एक सेल में आ जाएगा, लेकिन नहीं मुझे इसको इतने ही छोटा इससे में सब दिखाने, तो मैं इसको यहाँ पे रैप टेक्स्ट करूंगा। इससे क्या होगा, ये दो अंदर ही अंदर दो लाइन बन जाएंगे, ठीक है ना, अंदर ही अंदर दो लाइन बन जाएंगे। इसको करने का एक और तरीका है, हम अंतिम में आके यहाँ पे आके ऑल्ट इंटर करने से भी अंदर ही अंदर एक लाइन लाइन बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। या तो हम ऊपर से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर हम ऑल्ट इंटर कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद आता है मर्ज सेल, जैसे कि मैंने आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर क्लास टू लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैंने चारों सेल 1 2 3 4 चारों सेल को मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, मैंने मर्ज अक्रॉस किया है। अब इसको मैं अनमर्ज करूंगा तो ये लेफ्ट में चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चारों बक्सा एक ही बन जाए, तो मैं सारा सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आके मर्ज एंड सेंटर करूंगा, तो पूरा बॉक्स बन के मर्ज हो जाएगा। तो हमने आज देखा क्लिपबोर्ड, जिसमें इंपॉर्टेंट याद रखना फॉर्मेट प्रिंटर, फ्रंट में हमें देखना है इंपॉर्टेंट ये बैकग्राउंड फ्रंट और टेक्स्ट फ्रंट, यहाँ पे अलाइनमेंट देखना है लेफ्ट सेंटर राइट, फिर रैप टेक्स्ट और मर्जर मर्ज एंड सेंटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने हैं। तो हमारे 15 मिनट हो गए, मैं ज्यादा टाइम लग गया, 4 दुनिया 8 मिनट टाइम, हमें 15 मिनट लग गए। हमने पहले कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स देखे, ठीक है, मेन्यू बार के 3 क्लिप देखे, क्लिप बोर्ड फ्रंट अलाइनमेंट। अब हम आएंगे प्रैक्टिकल काम पे, आज हम बनाने वाले हैं एक 20 बच्चों का मार्कशीट बनाएंगे, हम 20 बच्चों का मार्कशीट बनाएंगे, 5 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टोटल कितना हो रहा है, परसेंटेज कितना रहा, पास है कि फेल है। अब इसमें मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा, आपको फॉर्मूला सीखना जरूरी है हर चीज के लिए, ठीक है। तो हम अभी बेसिक फॉर्मूला से चलेंगे, एक्सेल में बहुत हेवी भी फॉर्मूला अभी आते हैं, ठीक है, हम बेसिक फॉर्मूला से चलेंगे। तो अब हम बना रहे हैं बच्चों का मार्कशीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले जितने सेल है उनको हेडिंग के लिए इसको मर्ज कर दूंगा पूरा, ठीक है। मर्ज के हम क्या जाएंगे, ये मर्ज एंड सेंटर को बताया मैंने, क्लिक किया यहाँ से मर्ज हो सकता है, या फिर शॉर्टकट करूंगा अल्ट करने से आएगा वो होम, होम के बाद आप एच करोगे होम में चले जाओगे, और फिर एम करके सी, आप कीबोर्ड से भी जा सकते हो या फिर माउस से जा सकते हो, आपके ऊपर है, मैं कीबोर्ड प्रीफर करता हूँ और एक्सपर्ट कीबोर्ड भी प्रीफर करते हैं, ऑल एच एम सी, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट मार्कशीट बनाने वाले हैं, ठीक है, ये कंबाइंड मार्कशीट है। मैं टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 विषय ले लिया। अब रोल नंबर, हम रोल नंबर स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3। अब एक एक कोई नहीं लिखता आजकल, हम चुपचाप पैक करेंगे, एक दो लिखने के बाद दोनों शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, माउस लाके इस छोटे से जो बॉक्स में डॉट दिख रहा है यहाँ पे लाके जब रखेंगे ना, अब डबल क्लिक करके नीचे खींचेंगे, देखो यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है, अपने आप नंबरिंग बढ़ते जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 20 तक नंबरिंग हो गया। तो हमने बस यहाँ पे दो सिलेक्ट करने के बाद इस छोटे से बॉक्स में आके इसको हम यहाँ से ड्रैग करना शुरू किए। अभी देखो तो सिंगल में करके सिर्फ दो को पकड़ के खींचूंगा ना, सिर्फ दो आएगा, लेकिन जब एक और दो को मैं जोड़ लूंगा, दो सेल को पकड़ के मैं खींचूंगा, तो एक्सपो लगता है कि हाँ एक नंबरिंग काउंटिंग बढ़ा रहा है, तो ये अपने आप नंबरिंग बढ़ाते रहेगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बता दूं मैं, दूसरा तरीका ये होता है, जैसे ऊपर 1 हो गया, अब इक्वल टू ये ऊपर वाला सेल +1, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्या लगा दिया कि इस सेल का वैल्यू होगा इससे ऊपर वाला सेल +1। अब इसको मैं कंट्रोल डी, अपने याद हो कंट्रोल डी बताया मैंने, डाउन फॉर्मूला लाने की, ऊपर फॉर्मूला वो नीचे आएगा, इसको मैं F2 करूंगा फॉर्मूला दिखाएगा, मतलब इसके ऊपर में जो अमाउंट है 2 उसमें एक और जोड़ दो 3। तो हम इसको बस यहां से लेके अब शिफ्ट के साथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से शिफ्ट से नीचे सिलेक्ट करने बाद कंट्रोल वी कर देंगे, तो अपने आप ये नीचे तक आ जाएगा। तो मैं दो तरीका देखा नंबरिंग करने का, एक तो सीधा पकड़ के ड्रैग कर दो, दूसरा हमने फॉर्मूला लगा दिया कि इससे ऊपर का रो में जो अमाउंट है उसमें एक और ऐड कर दो, फॉर्मूला बारे में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये तरीका है। मैं ड्रैग वाला करता हूँ, ये नंबरिंग बहुत लोग करते हैं ऐसे, मैं ड्रैग किया 20 तक पहुंच गया यहाँ पे और मैं रुक गया 20 तक का। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पे नाम लिखूंगा, मार्क्स कितने कितने आए हैं यहाँ पे, इंग्लिश मैथ साइंस
ये मैं लिख के बाद आपको वीडियो ऑन पॉज लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो मैंने अभी 20 बच्चों का डेटा निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर है पहले, उसके बाद नाम है, 5 विषय है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल और अकाउंट। इन 5 विषय में इन कितने मार्क्स है? आपको लग रहा होगा डेटा ज्यादा है, लेकिन बिलीव मी, जब आप मार्केट में जाते हो ना, 500 600 लाइन का डेटा है, ये डेटा उनके सामने बच्चा है बच्चा। अब देखिए, मैंने एक्सेल का जो ऊपर का रिबन है, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। पहले इसको मेन्यू कहते थे, अब इसको रिबन रिबन कहते हैं आजकल। अब इसको रिबन को हाइड करने के लिए कंट्रोल F1 करूंगा, रिबन हाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैं रिबन हाइड करूँ, Ctrl F1। तो हमने भी स्टूडेंट मार्कशीट बना रहे हैं, हम पहले इसको हाईलाइट करेंगे। तो मैं होम पे जाएंगे, रिबन दिखाता हूँ फिर से, Ctrl F1, रिबन आ गया। इसको मैं बोल्ड करूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा लाइट ब्लू, ठीक है। ये मर्ज हो गया। अब ये इसका हेडिंग, हेडिंग को मैं अलग कलर करूंगा, बोल्ड करूंगा। मैं पूरा हेडिंग को शिफ्ट के साथ राइट एरो से मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ हल्का सा, ये लाइट ग्रीन, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ Ctrl D, ताकि साफ पता चले कि हेडिंग है और ये बाकी डेटा है। अब मैंने डेटा लिख लिया, आपको डेटा खुद लिखना पड़ेगा, मैनुअली मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करना है, मुझे टोटल निकालना है, एक बच्चे को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है। पहली बात तो मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, MXIMUM, मैक्सिमम कितने होंगे आपके, कुल मिलाकर 5 विषय है, तो 5 का 500 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, तो 500 मैंने किया, ठीक है, इंटर किया मैंने। अब मैं शिफ्ट के साथ एक एक करके नीचे जा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूंगा तो सबसे लास्ट पर पहुंच जाएगा। एक्चुअली आपको लगता है कि मैं कीबोर्ड दिख नहीं रहा है आसान, मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ अपना, सबको समझने में आसानी होगी। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कीबोर्ड लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ ही प्रेस करूँगा कीबोर्ड दिखेगा, जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड में ब्लू दिखा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस किया और मैं डाउन एरो करूंगा तो नीचे सिंगल सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं अभी कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूँ, सिर्फ लास्ट बटन में, लास्ट वाले सेल में पहुंच जाएगा जहां पर डेटा लिखा होगा। अब मैं राइट एरो करूंगा, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों एक साथ दाब के अप एरो क्लिक करूंगा। अप एरो इसे कहते हैं, डाउन एरो इसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट कॉलम में आके कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो सिलेक्ट करूंगा, तो ये ऊपर तक तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको याद है हमने कल देखा था शॉर्टकट Ctrl D, मतलब जो अमाउंट या जो भी कुछ जो पहला सेल में लिखा है सब सेल में कॉपी हो जाए, उसको हम कहते हैं Ctrl D डाउन करने के लिए। तो मैक्सिमम मार्क्स 5 विषय में 500 मिलना चाहिए थे। अब इन बच्चों ने कितना कितना लिया है मैक्सिमम मार्क्स, मार्क हमें वो निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल, टोटल यानी सम। अब टोटल करना है तो भाई इसका दो तरीका है, और दो सिंपल तरीका ये है कि मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। हम यहाँ पर करते हैं इजिकल टू SUM, सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना हो एक्सेल में तो सबसे पहले हम इजिकल टू डालते हैं, विदाउट इजिकल टू से ही कोई फॉर्मूला स्टार्ट होगा। अब टोटल करने का जो आपका फॉर्मूला है उसका नाम है SUM, सम करवा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे किस सेल को हमें टोटल करना है। तो हमने शिफ्ट के दाबा, देखो शिफ्ट हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पे, अब शिफ्ट के साथ में ये राइट एरो दाब रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैं इंटर कर दूंगा। तो इस स्टूडेंट टोटल मार्क्स मिले हैं 356। इसको देखना है तो आपको याद है F2 एडिट के लिए होता है, मैं F2 प्रेस करूंगा, आपको हाईलाइटेड सेल दिख रहा है, ये 5 सेल को हाईलाइट कर रहा है और 5 सेल का सम ये है। मैं दोबारा करता हूँ, इजिकल टू करूंगा मैं, SUM सम किया मैंने, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी सम के बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। फिर मैं किस सेल से शुरू करना है, इस सेल से शुरू करना है, इस सेल पे क्लिक करते हाईलाइट हो जाएगा, इस सेल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो करता रहूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो टोटल आ जाएगा। अब मैं हर सेल में ये नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके डाउन एरो करके Ctrl V कर सकते हैं पहला ऑप्शन, या फिर
हम इसको कंट्रोल डी भी कर सकते हैं। डी क्या करता है, जो ऊपर का डेटा है वो कॉपी करता है नीचे, कंट्रोल डी। ठीक है, आप देख सकते हो सब मैं जैसे इसकी सेल में जा रहा हूं तो वो फॉर्मूला बार में देखिएगा सम किया हुआ, सम किसका किया हुआ इसका, हर बार अपने आप उस फॉर्मूला नीचे कॉपी करता रहेगा ये। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। अभी साइड में कोई दिख रहा हो छोटा सा येल्लो येल्लो आ रहा है, ये कुछ पूछ रहा है। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस देते हैं कि आप उसे और क्या क्या चेंजेस करने हो कर सकते हो, लेकिन इस पे हमें ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा इग्नोर एरर। ठीक है, यहाँ लास्ट में मैंने इसको इग्नोर एरर कर दिया। ये देखो इससे फर्क नहीं पड़ता ना, आपके ये जब सेव कर दूंगा ना तो अब बाद में अपने आप गायब हो जाता है ये, और ना ही ये प्रिंट करते वक्त डेटा में आता है। हमने भी टोटल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, हमें निकालना है एवरेज। एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मतलब होता है जितने भी मार्क्स आए इन 5 को टोटल करके 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज होता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, तो हमें टोटल किए हुए यहाँ पे तो इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5 सब्जेक्ट, एवरेज मार्क्स इसका आया 71.2 मार्क्स एवरेज इसका आया है। ठीक है, लेकिन हम किस में है, हम है एक्सेल में। एक्सेल में एवरेज का फॉर्मूला होता है AVER, एवरेज करेंगे। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट, देखो जब लिखते हैं ना तो फॉर्मूला का ऑप्शन दिखा देता है कौन सा आपके लिए, जैसे एवरेज हाईलाइट हो गया है। अब मैं पूरा एवरेज लिख सकता हूँ या फिर मैं सीधे टैब दाबूंगा, कोई टैब दिख रहा है, मैं सीधे टैब दाबूंगा तो अपने आप एवरेज वो ले लेगा, फॉर्मूला जैसे कॉपी कर लेगा। अब एवरेज किसको करना है, मैं ये सेल को सिर्फ सेल को सिलेक्ट करूंगा, फिर राइट एरो करके इसको यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा, ये अपने आप एवरेज निकाल लिया। तो हमने पहला निकाला टोटल का, हमने डिवाइडेड 5 कर दिया एवरेज, या फिर एवरेज फॉर्मूला ले लिया, इससे एवरेज निकल गया। ठीक है, अब मैं कॉपी करके कंट्रोल सी करके डाउन एरो करके कंट्रोल वी कर दूंगा तो सब स्टूडेंट का एवरेज निकल जाता है ये। ठीक है, ये एवरेज हो गया। अब आते हैं परसेंटेज पे, परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज कितना है बच्चों का, परसेंटेज कितना है, परसेंटेज की बात करेंगे हम इसको, तो ऊपर से उठा के अगर ट्रैक करो मैं यहाँ पे परसेंटेज के लिए। ठीक है, एक बॉक्स में आ गया। अब बच्चों परसेंटेज कितना आया है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑब्वियसली जितना आया है टोटल में से निकलता है, तो हमारा परसेंटेज के लिए होगा फॉर्मूला लिखना है, तो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। इस बच्चे का है 335, 356 मार्क्स। ठीक है, 356 मार्क्स डिवाइडेड बाई, डिवाइड का फॉर्मूला डिवाइड होता है यहाँ पे, यहाँ पर ये डिवाइड। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, अब इंटर कर दें, कितना दिख रहा है 72.71.2। अब एवरेज परसेंटेज सेम होता है, अब 0.7172 आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना है परसेंटेज साइन में, तो यहाँ दिख रहा है आपको ये परसेंटेज साइन, इस पर क्लिक करेंगे ये 71%। अब 71 एग्जैक्ट में 71.2% है, तो जीरो जो दिख रहा है इससे हम इसमें जीरो ऐड कर सकते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट जीरो ऐड या घटा सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल परसेंटेज आ गया, हमने क्या फिर दिखाता हूँ, इक्वल टू किया मैंने, मैंने इस अमाउंट को, इस टोटल बच्चे को आया 421 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स था 500, ये परसेंट पॉइंट में आ गया 84.2। फिर हम यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज पे आ गया, लेकिन एक टोटल राउंड ऑफ आ रहा है, तो इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 डिजिट में पॉइंट में आ जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे मैं कंट्रोल के साथ डाउन बटन दाबूंगा, सबसे लास्ट सेल में चला जाएगा जहां पे डेटा है, फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों दाब के अप पे आऊंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल डी करूंगा तो जो इस सेल में डेटा था वो नीचे तक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा परसेंटेज का डेटा हो गया, किसी बच्चे को 71% आया, किसी को 84 आया, किसी को 69 आया है, 57 आया है, ये परसेंटेज हो गया। आपको पता है आजकल ग्रेडिंग मार्क्स चलता है बच्चों के बीच में, बच्चों ग्रेड किया जाए ABCDE। ठीक है, अब ग्रेड के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इफ फॉर्मूला।
ठीक है, जी आर ए डी ई, अब ग्रेड मानते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेड होंगे ए बी सी डी ई, ठीक है, जिस बच्चे को क्या बोलूं मैं, 70 से ऊपर आया है, ठीक है, 70 से ऊपर है उसको ग्रेड ए मिलेगा, जिसको 55 से ऊपर है उसको ग्रेड बी मिलेगा, जिसको सॉरी 60 लेते हैं, 60 से ऊपर ग्रेड बी मिलेगा, जो 50 से ऊपर सी, 40 से ऊपर डी, और जिसका 40 से नीचे आया है उसको हम ई दे देंगे, ठीक है। तो मैं ग्रेडिंग यहाँ पे डिवाइड कर लिए, तो ग्रेडिंग एवरेज मार्क्स पे हम लोग निकालेंगे ग्रेडिंग। अभी मैं ऊपर का रिबन हाइड कर दूँ, थोड़ा सा नीचे का डेटा छिप रहा है, कंट्रोल F1 हाइड हो गया। हम ग्रेडिंग की बात करते हैं बच्चों की, आपको मैं कीबोर्ड पर दिख रहा है, पे कैप्स लॉक ऑन दिख रहा है, मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ग्रेडिंग करते हैं, अब ग्रेडिंग के बाद इज इक्वल टू फॉर्मूला के लिए हमेशा इज इक्वल टू, इफ अगर, अब मैं हिंदी बता, अगर अगर ये सेल का, ओहो गड़बड़ हो गया ना, क्या गड़बड़ हुआ, हमने ब्रैकेट नहीं दिया, इज इक्वल टू अगर ब्रैकेट ओपन कर लो या फिर टैब डाल दो, ठीक है, अगर इस सेल का मार्क्स जो है 71.20, अगर ये ज्यादा है तो हम ग्रेटर देन साइन का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन साइन यहाँ पे है, इसको मैं शिफ्ट के साथ ग्रेटर नहीं करूंगा, या फिर शिफ्ट के साथ इज इक्वल टू भी करूंगा, इज इक्वल टू क्या है मेरा, इज इक्वल टू। तो अगर इस सेल का मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है तो कोमा, तो मैं क्या कह था, इज इक्वल टू अगर इस सेल में जो मार्क्स है, मैं फिर ब्रैकेट भूल गया, इज इक्वल टू अगर टैब डाल दिया, ब्रैकेट खुल गया, ठीक है, अगर इस सेल का, ठीक है, जो अमाउंट है या जो मार्क्स है अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ठीक है ना 70 है, मतलब 70 से 70 है या 70 से ज्यादा है तो कोमा, कोटेशन ग्रेडिंग ए होगा, कोटेशन बंद, नहीं तो कोमा, तो ये नहीं तो कोमा, कोटेशन बी होगा, एक ग्रेडिंग बी होगी, मैंने लिखा ए। अभी मैं सिंपल नहीं चल रहा हूं आपको, अगर इस सेल का जो अमाउंट है मार्क है 70 या 70 से ज्यादा होगा तो इसको ग्रेडिंग ए देंगे, नहीं तो ये कोमा बाद जो आ रहा है ना, ये नहीं तो है, नहीं तो ग्रेडिंग बी देंगे, तो दिख रहा है 71 है यहाँ पे, तो ग्रेडिंग ए हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल सी करके शिफ्ट के साथ डाउन एरो करके यहां तक करता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी नहीं हुआ, मैंने कॉपी हट गया, तो कंट्रोल डी कर लेंगे। अब क्या दिख रहा है, बी, इसका ग्रेडिंग कितना है, 70 से कम है तो अपने आप बी आ गया, इसका 50 से कम है, बी आ गया, हमने सिर्फ फॉर्मूला क्या लिया है, हमने अभी सिर्फ एक ही लिया 70, तो 70 से ज्यादा हुआ या 70 हुआ तो ए लेगा, उससे कम हुआ तो बी लेगा, लेकिन हमें क्या करना, हमें ग्रेडिंग करना है, ए बी सी डी ई सारे ग्रेडिंग करने हमें, तो हमें मल्टीपल अगर लगाने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं बी को, अगर इस सेल का, ठीक है, जो अमाउंट है मार्क्स है ज्यादा है ये बराबर 70 से तो ग्रेडिंग ए कर देंगे, ठीक है, कोमा, अगेन इफ इसी सेल का मार्क ज्यादा है बराबर है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ मैं कुछ बता देता हूँ, तो हम कहते हैं अगर इस सेल का मार्क्स ज्यादा है बराबर है 70 से तो कोटेशन के अंदर ए से ग्रेडिंग ए करेंगे, नहीं तो इफ अगर इस ब्रैकेट खोल देंगे, इस सेल का मार्क्स ज्यादा है बराबर है कितना से 60 से,
हम इसको ग्रेडिंग कर देंगे, कोटेशन भी कर देंगे, नहीं तो अगर फिर ब्रैकेट खोलेंगे इसी सेल का, हम एक ही सेल पे बात कर रहे हैं, अगर इसका जो अमाउंट मार्क्स बराबर है या ज्यादा है, ठीक है, कितने से, 50 से, तो हम इसको ग्रेडिंग कर देंगे, कॉमा करके ग्रेडिंग कर देंगे कोटेशन के अंदर सी, ठीक है। फिर अगर नहीं तो कॉमा मतलब नहीं तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे इस सेल का मार्क्स ज्यादा है बराबर है 40 से, ठीक है, हम ग्रेडिंग कर देंगे इसको डी, ठीक है, नहीं तो ई, अंतिम में आगे कुछ नहीं हुआ तो इसको सीधे हम ई कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ मैंने ब्रैकेट नहीं किया था, अब देखो क्या है, मैंने एक ब्रैकेट यहाँ खोला, दूसरा ब्रैकेट मैंने यहाँ खोला, तीसरा ब्रैकेट यहाँ खोला, चौथा ब्रैकेट यहाँ खोला, तो हमें चार ब्रैकेट यहाँ बंद भी करना पड़ेगा जो मैंने नहीं किया था। तो मैंने आपको फॉर्मूला कॉपी किया, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो फॉर्मूला, आप दोबारा वीडियो बैक करके देख लो, मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की उसको। अब मैंने कॉपी किया, कंट्रोल डी कर रहा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सी आ गया। देखो ये 60 से कम है, 60 से कम है तो मेरा एक से नहीं, अगर 70 से ज्यादा हुआ, 60 से ज्यादा हुआ, अगर 50 से ज्यादा होगा तो सी है। अच्छा यहाँ देखो 50 से ज्यादा है मेरा, मैंने क्या बोला था, अगर 70 से ज्यादा हुआ, मैं यहाँ पे लिखा है 70 से ज्यादा हुआ था ए, 60 से ज्यादा हुआ था बी, 50 से ज्यादा हुआ तो सी, 40 से ज्यादा हुआ तो डी। हम यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 50 से ज्यादा है तो सी आ गया, यहाँ देखो 60 से ज्यादा है तो बी आ गया, ये 70 से ज्यादा है तो ए आ गया, दिख रहा है ना, ये डी देखो 40 से ज्यादा है तो डी आ गया, ठीक है। और भाई 40 से कम तो किसी में नहीं है, मान लो फॉर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मैं 40 से कम 30, आपको दिख रहा है ए लिखा हुआ है, अब मानो ये 30 आता, 30 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये आ गया अपने आप। तो फॉर्मूला है, अब मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करूंगा, मतलब जो मैं 30 चेंज किया था उसको मैं अंडू कर दिया 31, तो मेरे क्लास में कोई बच्चा नहीं है जिसका 40 से कम आया, मतलब ई ग्रेड किसी का भी नहीं है, सबका ए बी सी डी ग्रेड है। अब बात करते हैं पास और फेल का, ठीक है, पास फेल की बात करते हैं। अब पास फेल के लिए हमें सब में देखना है, हमारे पास मार्क्स कितना रखे हैं बताओ, 34 है, 54 भी यहाँ पे है, 54 भी है, हम रखते हैं पास मार्क्स रखते हैं 45, 45 पास मार्क्स रखते हैं, ठीक है, पास मार्क्स रखते हैं 45। अगर किसी बच्चे का 45 किसी विषय में है, 45 से कम है किसी विषय में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है, सिंपल वही काम करना है, इक्वल टू इफ, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक ही सेल पे हमने फंक्शन लगाया था कि अगर इस सेल का वैल्यू 70 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए लेना है, 60 या उससे ज्यादा है तो बी लेना है, 50 या उससे ज्यादा है तो सी लेना है, 40 से उससे ज्यादा है तो डी लेना है, नहीं तो ई लेना है, हम एक ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इफ कमांड लगाया, अब वही है, मैं अब दो चीज कर सकते हैं, वो सिंपल बता दो, पहला काम इज इक्वल टू किया मैंने, इफ किया टैब, अगर इस सेल का, ठीक है, मार्क्स ज्यादा है बराबर है, ज्यादा है बराबर है किससे, 45 से, हम आप 45 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर हम 45 टाइप कर सकते हैं, ठीक है, फिर कॉमा कोटेशन में लिखेंगे पास बंद, नहीं तो कोटेशन में लिखेंगे फेल, कोटेशन बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, सिर्फ एक ही सेल को किए हैं, लेकिन हमें एक सेल में नहीं देखना है, हमें देखना बच्चे का, अगर बच्चा एक भी बच्चे फेल होता है तो भाई वो एग्जाम में फेल है, तो हमें इफ के साथ दो कमांड लगाना पड़ेगा,
इफ के साथ एंड कमांड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेल लिया था, यहाँ पे अकाउंट्स से बात कर रहे हैं, अकाउंट्स में कितने बच्चे फेल है वो बस देखना है। कंट्रोल के साथ मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो किया मैंने, अब कंट्रोल डी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो फेल हुआ है, कौन बच्चा फेल हुआ अकाउंट में। मैं अब शिफ्ट और स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, मानो मुझे किसी रो को सिलेक्ट करना है, मानो मैं यहाँ पे हूँ, मैं अब इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट दाबने के साथ स्पेस दाबूंगा तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इससे मुझे क्या होगा, हाँ साफ साफ देख सकता हूँ ये रो है, मानो मैं यहाँ पे होता हूँ, मुझे देखना है इस रो का नाम क्या है इसका। अब भैया मैं इसको सीधे माउस से ऐसे करके नहीं देख पाऊंगा भाई, लेकिन जब मैं शिफ्ट के साथ स्पेस दाबूंगा ना तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं पूरा रो देख सकता हूँ। देखो ये एडवेट, भाई नाम भी अजीब है, मैं प्रोनाउंस कैसे करूं पता नहीं, एडवेट एडवेट ही मान लेते हैं। एडवेट को अकाउंट में 34 मार्क्स मिले हैं भाई, इसको अकाउंट में फेल है। इसके सोशल में 54 मार्क्स मिले हैं, साइंस में 54 मार्क्स मिले हैं, मैथ में 54 मार्क्स, इंग्लिश में 34 मार्क्स। भाई ये बच्चा बहुत पुअर बच्चा है, इसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो फेल हमने सिर्फ अकाउंट पे लगाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने सिर्फ अकाउंट में निकाला था कौन पास है कौन फेल था। अकाउंट में मेरा एक एडविट फेल है, सिर्फ स्पेस में देखा, दूसरा देखा मैंने इब्राहिम फेल है, दो बंदे मेरे अकाउंट में फेल है, ठीक है। भाई हमारा सिर्फ ये बॉयज स्कूल ही है पूरा, इसमें सिर्फ लड़के का नाम है, ठीक है। अब हमें देखना है कि बच्चा किसी भी एक विषय में फेल हो तो पूरा फेल हो, वो फेल ही कहा एग्जाम में। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल दाबा शिफ्ट दाबा और साथ में डाउन एरो करता हूँ तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, डिलीट डेटा डिलीट हो गया। अब फॉर्मूला आएंगे भाई, किसी भी विषय में 45 से कम आएगा तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो हम लेंगे इजिकल टू, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए अगर इफ इफ अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर उस पर हम ब्रैकेट करेंगे एंड अगर के साथ और, हिंदी का और, इंग्लिश का और नहीं, इंग्लिश का और हिंदी में का या, ये या फिर वो, और हिंदी में और क्या, ये और ये और ये तीनों जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हिंदी का और वाला, तो अगर और, ठीक है, इफ एंड ब्रैकेट दोबारा खोल देंगे, इफ एंड एक सेकंड चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया, तो इजिकल टू फॉर्मूला शुरू किया, इफ टैब किया मैंने, ब्रैकेट खुल गया, एंड टैब किया ब्रैकेट खुल गया। अब बात करता हूं, अगर और इफ एंड अगर और इसका मार्क्स कम है 45 से, ब्रैकेट और इसका मार्क्स कम है, नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे एंड आएगा, या किसी भी एक में और टैब, ठीक है, अगर इसका मार्क्स कम है किससे, 45 से, या फिर, मैंने और का मतलब है या फिर ब्रैकेट, अरे कीबोर्ड गलत दब गया, इक्वल टू इफ, मैं फिर से करता हूँ, टैब या, ठीक है, टैब, ये या हर जगह बीच में इस्तेमाल होने वाला है, इसको मैं आगे लिख रहे हैं लेकिन हर के बीच में इस्तेमाल होगा। इफ या इसका अमाउंट कम है 45 से, ठीक है, या फिर इसका अमाउंट कम है 45 से, या फिर इसका अमाउंट कम है 45 से, या फिर इसका अमाउंट कम है 45 से, या फिर इसका अमाउंट मार्क्स मार्क्स बोलता हूँ कम है 45 से, तो कोमा कोटेशन हम डाल देंगे फेल, किसी भी एक में, यहाँ पे या लिखा हुआ, किसी भी एक में 45 से कम होगा फेल हो जाएगा, नहीं तो कोटेशन में पास हो जाएगा। कोटेशन में बंद करके हमने दो ब्रैकेट खोला था, दो ब्रैकेट बंद कर दिया, इंटर कर देंगे। ओके, कुछ गड़बड़ बता रही है। अच्छा, एक ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, ठीक है, अरे यार 45 के बाद ब्रैकेट बंद होगा यहाँ पे, ठीक
ठीक है, पहला ब्रैकेट यहाँ बंद होगा, दूसरा ब्रैकेट ये बंद होगा। पास। अब तो इस बच्चे का सारे में 45 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं 45 से कम किसमें किसमें, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी। अब देखो यहाँ पे फेल आ गया। इस बच्चे में किसी ना किसी विषय में 45 से कम होगा, किसमें है ये, इंग्लिश में 33 आ रहे इसके, इंग्लिश में फेल है। इसमें शिफ्ट के साथ स्पेस दबूंगा, ये बच्चा फेल है, सोशल में फेल है। क्या नाम है, रियान्यो, रियान्यो लगी नाम है रियान्यो, ये आपका सोशल में फेल है। इसकी बात करें तो ये फेल है आपका, इसमें ये भी सोशल में फेल है। ये बच्चे की बात करें तो ये बच्चा फेल है एक सोशल में, सोशल में फेल है, ठीक है। ये बच्चे की बात करें तो फेल है, ये मैथ में भी फेल है, साइंस में फेल है, सोशल में भी फेल है, ठीक है। हम इसको सिंगल सिंगल देख सकते हैं, तो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। अगर इफ मतलब अगर, या ये या सब के लिए, अगर इस सेल का, इस सेल में मार्क्स 45 से कम हो है, या फिर D88 में मार्क्स 45 से कम है, या इसमें 45 से कम है, या इसमें 45 से कम है, या इसमें 45 से कम है, मतलब किसी भी एक में 45 से कम है तो फेल होगा, नहीं तो पास होगा। ये फॉर्मूला होता है फेल पास का। अब मैं इसी चीज को दूसरे फॉर्मूला से लिखना चाहूंगा। मैं अब मैं यहाँ पे एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट एंड। आपको टफ लग रहा होगा, वीडियो दोबारा देख सकते स्टार्ट करके, ठीक है। अब एंड में क्या है, सब में 45 से ज्यादा होगा तो ही पास होगा, सब में 45 से ज्यादा होगा तो ही पास होगा। इफ एंड इसमें ज्यादा है 45 से, और एंड हिंदी का, और इसमें ज्यादा है 45 से, और इसमें भी ज्यादा है 45 से, इसमें भी खा गया, इसमें भी ज्यादा है 45 से, इसमें भी ज्यादा है 45 से, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे, कोमा करेंगे, कोटेशन में लिखेंगे पास, ठीक है। अगर किसी में भी नहीं है ज्यादा, ये एंड इन सब में ज्यादा होना चाहिए 45, तो पास, नहीं तो फेल, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, कोटेशन क्लोज को इंटर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 में 45 से कम है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी। हमने एक ही चीज किया है, ऊपर और फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पे किसी भी एक में 45 से कम होगा तो फेल, नहीं तो पास। यहाँ पे हमने किया है सब में एंड 45 ज्यादा वाला पास, नहीं तो फेल। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें आपका इंग्लिश में 45 से कम है, फिर साथ में अकाउंट में 45 से कम है तो फेल है। इसमें बात करें तो इसका सोशल में 45 से कम है, इसलिए फेल है। इसकी बात करें तो इसमें सब का, इसमें सब में 45 ज्यादा है तो बंदा पास है। तो हमने देखा परसेंटेज फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। फिर हमने इफ फॉर्मूला देखा, ग्रेडिंग किया ABCD, फिर हमने देखा पास फेल का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसमें एक और काम कर, अब इसमें बॉक्स बनाऊंगा, इसमें बॉक्स में डालना चाहता हूँ मैं पूरे को, इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, कंट्रोल मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट करके राइट एरो किया, डेटा यहाँ से कॉपी सिलेक्ट हो गया, डाउन किया नीचे तक तो सिलेक्ट हो गया, या फिर मैं कंट्रोल ए भी करता ना तो पूरा सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि पीछे स्पेस है, ठीक है। अब इसको मैं बॉक्स में डालूंगा, तो होम पे जाऊंगा, बॉक्स में करके कैसा बॉक्स करना, मैं बताया था कि बॉक्स ऑल बॉक्स कर सकते हो, लेकिन मुझे ऑल बॉक्स नहीं करना। मैं जाऊंगा मोर बॉर्डर्स पे, मुझे इसका बाहरी सतह पे बॉक्स चाहिए, बाहर 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 बाहर, लेकिन मुझे बाहर मोटा बॉक्स चाहिए, मोटा बॉक्स मोटा बॉक्स मोटा बॉक्स मोटा बॉक्स। उसके बाद हम मुझे बीच में बस लाइन चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, स्टूडेंट वाइज अब मार्क्स दिख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, नहीं कंट्रोल जेड कर देंगे, सब हट गया। मैं फिर जाऊंगा बॉक्स पे, जाऊंगा मोर बॉर्डर, मोर बॉर्डर पे जाऊंगा, बाहर 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 बाहर, ठीक है, बीच में, ये नहीं ये वाला स्टूडेंट, बीच में स्टूडेंट लाइन हो गया।
अब मैं व्यू पे जाऊंगा और यहां से ग्रिड गायब कर दूंगा, ग्रिड लाइन। ठीक है, अब देखो दिख रहा है, अभियान को मिला है इंग्लिश 45 मैथ साइंस। अब देखो मुझे डेटा तो दिख रहा है, यहां दिख रहा पास फेल, ठीक है ना, लेकिन किस किस विषय पास हुआ तो हम एक एक करके ढूंढने जाएंगे क्या? अच्छा मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस किया, अब देखेंगे जो सोशल में फेल हुआ है, या फिर कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें दिखते ही पता चल जाए बंदा फेल है, इसी तरीका है। अब मैं बता रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम क्या करने वाले यहाँ पे, जिस बच्चे को 45 से कम मार्क्स आए हो, दोबारा सुन लीजिए, जिस बच्चे को 45 से कम मार्क्स आए हो वो बच्चे का मार्क्स लाल रंग में दिखने चाहिए, इस एग्जाम में होता है ना लाल रंग में दिखना चाहिए। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, सिलेक्ट किया मैंने इसको, होम टैब में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इसको मैंने खोला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट करने के बाद लेस देन, हम इसको लेस करेंगे 45 से और ओके करेंगे। क्या दिख रहा है? साफ साफ हमें दिख रहा है जो जो मैं 45 से कम है वो हाईलाइटेड हो गए, मतलब बच्चे इसमें फेल हुए हैं, ये सब बच्चे से फेल हुए हैं। तो अपना जॉर्ज यहाँ पे सबसे बेकार बच्चा है, तीन विषय में फेल हुआ है वो, ठीक है। मैं इसको ऊपर, मैं ऊपर का रिबन हटा देता हूँ, तो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, हमें दिख रहा है वो हाईलाइटेड सेल जिसमें मार्क्स 45 से कम आए हैं वो सब हाईलाइट हो गए, तो साफ साफ दिख रहा है कि बच्चे किसमें फेल है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा पहले टोटल निकालना, देखा जिसका फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, फिर हमने देखा एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट से कर लिया, या फिर इज इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला हमने हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने देखा परसेंटेज निकालने का, टोटल जो आया डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और इसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज का ये ऑप्शन चूज कर लिया होम में से, परसेंटेज का ऑप्शन। फिर आता है ग्रेडिंग, हमने ग्रेडिंग देखा, अगर हमने ग्रेडिंग की बात की, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हमने, अगर एवरेज मार्क्स, इसको खोल दो एक बार, अगर ये एवरेज मार्क्स 70 से ज्यादा है तो ए होगा, नहीं तो 60 से ज्यादा है तो बी होगा, नहीं तो 50 से ज्यादा तो सी होगा, ये कोमा नहीं तो होता है, ठीक है, अगर एक ही सेल में करना है, हमने ये देखा। फिर हमने देखा पास फेल का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, जिसका दो फॉर्मूला देखा, हमने एक और देखा, अगर इसका पहला, अगर इंग्लिश में 45 से कम है तो फेल, या फिर मैथ में 45 से कम है तो फेल, या फिर इंग्लिश से 45, साइंस से 45 से कम है तो फेल, या फिर सोशल में 45 से कम है तो फेल, या फिर इकोनॉमिक्स में 45 से कम है तो फेल, अगर ये सब नहीं है तो अंतिम में पास, ये अंतिम बना होता है, ये कुछ ना हुआ तो अंतिम में पास, मतलब उसके लिए होता है। तो यहाँ पे और है, किसी भी एक में 45 से कम होगा, जो सेल हमने सिलेक्ट किया है C88, D88, E88, F88, G88, तो किसी 45 से कम होगा तो फेल, अगर किसी 45 से कम नहीं हो तो पास। वैसे तो हमने फिर सेकेंड फॉर्म देखा एंड, एंड में क्या है, सब में, अगर सब में 45 से ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर सब में C97 आपका है इंग्लिश का मार्क्स, D97 है आपका, डी रो है, D97 मार्क्स से में 34 मार्क्स है, अगर सब में 45 से ज्यादा हुआ तो पास, अगर सब में 45 से ज्यादा नहीं हुआ तो फेल। तो हमने ये फॉर्मूला देखा, फिर हमने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने सब कुछ सिलेक्ट किया, ठीक है, होम पे जाके ये कंडीशन, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल लेस देन, जिसका भी वैल्यू लेस देन 45 उसको हाईलाइट कर देना है, तो साफ साफ हमें दिख जाता है भाई हाँ ये बच्चे का, ये सब बच्चे फेल है, इन विषय में फेल है, हमने ये देख लिया आज। तो आज के लिए बस ये रखते हैं, ठीक है।
तो इसको थोड़ा समझिएगा, वीडियो शायद 1 घंटे का हो गया है लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो है। मैंने यहाँ पे सम फॉर्मूला दिखाया, एवरेज दिखाया, परसेंटेज दिखाया, ग्रेडिंग दिखाया, पास फेल का दिखाया, इफ दिखाया, इफ के साथ और इफ के साथ एंड दिखाया, साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई। फिर हमने और हमने क्या देखा इसमें आज, हमने देखा तीन, पहला होम मेन्यू का क्लिपबोर्ड फॉन्ट अलाइनमेंट, इसको देखा ठीक है डिटेल में। बाकी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक ये मेन्यू भी देखा ठीक है, और कुछ शॉर्टकट नए नए हम भी देखे। कल वर्क करते हैं और भी डेटा बताएंगे। साथ में हमने देखा पुराने शॉर्टकट को रिवाइज किया था, F2 एडिट के लिए, F4 रिपीट लास्ट एक्शन, कंट्रोल एंड एक्सेट्रा। तो हमने आज ये सब चीजें देखी है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी कल हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।